बढ़ते कोरोना संक्रमण और त्यौहार को देखते हुए गाजियाबाद में 10 मई और नोएडा में 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई धारा 144। गाजियाबाद डीएम ने इस बारे में आदेश जारी किया। भारत बंद को सफल बनाने में जुटे किसान, कई संगठनों ने दिया समर्थन का भरोसा। भारत बंद को सफल बनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ अलग अलग संगठनों ने बैठक की। दिल्ली में दिन का पारा 34 के पार, शाम को तेज हवा से राहत। अगले 4 दिनों तक दिल्ली के मौसम में बादल छाए रहेंगे और तेज धूप से राहत मिलने की संभावना। दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहे हैं वाहन और कूड़े का धुआं। वाहनों में ईंधन जलने पर प्रदूषित कण PM2.5 का होता है अधिक उत्सर्जन। एंटीलिया मामले में NIA का दावा, वाजे नहीं कोई और है असली आका, जल्द होगा साजिश का खुलासा। 24 घंटे में करीब 36,000 मरीज मिले, एक्टिव केस का आंकड़ा आज 2.5 लाख के पार होगा। बीते 24 घंटे में एक्टिव केस में 17,862 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज से मोर्चा संभालने उतरेंगे पीएम मोदी, बंगाल और असम में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। आज पीएम मोदी बंगाल और असम दोनों जगह रैलियों को संबोधित करेंगे। स्लम पुनर्वास का मसौदा तैयार, 3,367 परिवार को DDA देगा पक्का मकान, 3 साल के भीतर लोगों को अपना पक्का मकान मिल जाएगा। पेट्रोल डीजल से आम आदमी को मिली राहत, 19वें दिन कोई इजाफा नहीं देखने को मिला। दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपये और डीजल 81.87 रुपये प्रति लीटर। अमिताभ बच्चन की नातिन काव्या ने उत्तराखंड के CM को दिया करारा जवाब, मुख्यमंत्री ने रिप्ड जीन्स पहनने पर दिया था विवादित बयान।